16 जून को रिलीज होने के बाद फिल्म आदिपुरुष लगातार विवाद और विरोध से जूझ रही है और फिल्म को लेकर दर्शकों का रुख बेरुखा ही है। खास तौर पर फिल्म के डायलॉग को लेकर जनता बिल्कुल भी रियायत देने के मूड में नहीं लग रही। इसी कड़ी में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने आदिपुरुष के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। हम तो ये जो भी आदिपुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हाथ में आया उठ देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान कर रहे हैं, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी, तो मैडम निकालो हम चलेंगे। सीधी सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज की बात है, हिंदुत्व की बात है, तो साहब करणी सेना तो प्योर राष्ट्र प्रेमी है, एक नॉन करप्टेड संगठन है जो बिल्कुल 100% क्षत्रियों के साथ साथ देश हित की राष्ट्र हित की बात है। अरबों रुपए के बजट से बनी फिल्म आदिपुरुष के बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जहां हिंदू संगठनों ने सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म का विरोध किया, तो वहीं नेपाल में भी आदिपुरुष फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और काठमांडू के सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई है। इतना ही नहीं, काठमांडू के मेयर बालेन साह ने तो नेपाल में भारतीय फिल्मों पर रोक लगाने की बात तक कह डाली है, जिसके बाद नेपाल सरकार के सूचना संचार मंत्रालय ने मेयर के बयान पर गंभीर आपत्ति जताई है और मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर आदिपुरुष सहित सभी फिल्मों के प्रदर्शन पर किसी प्रकार का रोक लगाए जाने को गैर कानूनी बताया गया है। तो उधर विपक्षी पार्टियों ने फिल्म के बहाने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी ने भी इस फिल्म की निंदा की। उस सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी जी ने भी इस फिल्म की निंदा की, इसकी अमर्यादित भाषा को शर्मनाक बताया। यह फिल्म रिलीज कैसे हो गई? सवाल तो इस बात का है, सेंसर बोर्ड जो है, भाजपाइयों का सेंसर बोर्ड, वो भांग खा के सो रहा था क्या? उसको अकल नहीं आ रही थी? आप प्रभु श्री राम के नाम पर एक फिल्म बना रहे हैं, उस पे एक काल्पनिक दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें सीता मैया को कोई छोरा लगा रहा है। ये किसको स्वीकार है हिंदुस्तान में, बताओ जरा मुझे, किस व्यक्ति को यह स्वीकार्य है? एक फिल्म में जिस तरह से हिंदुत्व की नौटंकी और तमाशा बना दिया है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ये ढोंग क्या है? तब आपका हिंदुत्व खतरे में आया, आप नहीं आ रहे क्या? जिस तरह से डायलॉग, जिस तरह से पूरा चित्र देख रहे हैं हम लोग, लोगों की जो मन में जो एक रोष है, तो क्या उस बारे में आपके पास कोई कानून नहीं है कार्रवाई करने के लिए? ये राम के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आदिपुरुष के विवाद को बढ़ता देख इस फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग को चेंज करने की बात कही है। वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।